अरे नहीं आ रही है जयंता भाई, नहीं कंग्रेट्स, मेरी पिक्चर नहीं आ रही है और आपको कंग्रेट्स। एक दिन पे दो पिक्चर रिलीज होंगी तो दर्शन ही चलेंगे कौन सी पिक्चर देखने। इट्स नॉट कमिंग, ब्लेसिंग दैट यू नो योर फिल्म्स आर नॉट क्लैशिंग एट द बॉक्स ऑफिस। या एब्सोल्युटली, गणपति बप्पा मोरिया सबको टेक्स्ट भेजता हूँ मैं अभी, नहीं आ रही है। हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है, सोची समझी स्ट्रैटेजी है बिग की, कि बिग ग्रीन गणेशा जो है वो पाँच साल कंटिन्यूसली बिग कर रहे हैं और हमारे योगेश भाई ब्राइट जिनकी कंपनी है ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, क्योंकि एक बार करना एक नॉवेल्टी के लिए, एक हल्ला करने के लिए, बट पाँच साल कंसिस्टेंटली बिग ने किया है, दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। कि कोई चीज़ को आप कंटिन्यूसली परसिस्ट करते जाएं तो फिर वो ऊपर वाले ने चाहा, गणेश जी ने चाहा, तो ये फैशन ही बन जाएगा कि बिग ग्रीन गणेशा, लोग यू नो विल फॉलो दैट, इट्स अ गुड थिंग। है आप सब लोगों का लव है, तुम सब का लव है, मेरे फैंस का लव है, हम लोग भी बहुत लव करते हैं मल्लिका का, लव है मेरी लाइफ में, पूरी केएलपीडी की यूनिट लव करती है मल्लिका का, स्पेशल सी अगेन। कितना और कितना खास लव, इससे ज्यादा खास होगा तो खासी हो जाएगी। इमेजिनेशन तो हर लड़की का, ये तो मैं सुन चुका हूँ, पूछो पूछो, ये आप पूछो। कोई सीक्रेट नहीं रख सकते आप, क्या खासियत होनी चाहिए? ही शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइक द ग्रीन गणेशा, जैसे विवेक है। सारी जुदा हूँ यार, क्यों पिटवा रहा है? हैं? सेंसर में नहीं फंसी चाहिए, मोस्टली आपकी ज्यादातर फिल्में सेंसर में फंसी हुई है, तो क्या विघ्नहर्ता से आप मांगेंगे कि ये फिल्म नहीं फंसे? बिल्कुल बिल्कुल, यही मांगूंगी कि नहीं फंसे। नहीं नहीं, प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर भी सभी यही मांगेंगे। विवेक आपने क्या मांगा विघ्नहर्ता से? यार मैंने कुछ मांगा ही नहीं इस साल, मैंने थैंक यू कहा, क्योंकि शायद इस साल मेरे करियर की सबसे ज़्यादा फिल्में हैं मेरे पास, 9 पिक्चरें कर रहा हूँ, घर पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, ऊपर वाले ने मेरी बहन के घर में भी गुड न्यूज़ भेजा है और हमारे घर में भी गुड न्यूज़ भेजा है, तो इस साल सिर्फ गणपति बप्पा से धन्यवाद ही धन्यवाद है, थैंक यू, इतनी ब्लेसिंग्स दिए हैं इस साल, थैंक यू। किस्मत लव पैसा दिल्ली सोचा, आपने क्या सोचा? नहीं कुछ अलग सोचा तो बोल दो, हम लोगों को मालूम नहीं है। नहीं पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त केएलपीडी चल रही है, देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है, केरोसिन एलपीजी पेट्रोल और डीजल केएलपीडी सबका प्राइस बढ़ गया है। होपफुली किस तरह का कैरेक्टर है मेरा? He's playing the horniest dude on the planet. His character is the horniest. हे भगवान! Real में तो gentleman है. Thanks यार, अच्छा दोस्त है तू मेरा. Real में तो एकदम gentleman है, पर movie में he's so horny, it's unbelievable. अच्छा विवेक की मालिका जी ultimate टोटा था क्यों है? गजब टोटा! क्या होता है? ओ बेटे की! गजब टोटा भाई! Yeah, of course, yeah. I mean, she's Malika, I think, is a big icon for sensuality. And I think it's been something that's not very recognized. The amount of contribution Malika has had to bringing the bold woman as a heroine from the meek girl who's always need to be rescued and stuff like that out to a really bold, strong, powerful Indian woman. So I think that she's had a major contribution for that, you know, perception change. Okay, also Malika, your film is coming, releasing in Bollywood, I think after 2 years, for what this came in. So, you know, in between you've been back there in LA and... I had Double Dhamaal last year. Oh yes, you of course had Double Dhamaal. But do you plan to show this movie to any of your friends from the Hollywood? If they want to see it, I'd love to. Okay, some specific names who you would want to show personally from your end? I have no specific. मैं सोच रहा था हम लोग अपने सफेद घर में बराक के लिए स्क्रीनिंग रख लें। रख सकते हैं। बराक इज अ फोन कॉल अवे। ओबू को फोन करेगी तो हो जाएगा काम। मामा जी को तो पिछली बार बुलाया था ना। He's just a phone call away. Anytime. Antonio Banderas को? Absolutely. उनको
मैं मलिका शेरावत को दिखाना चाहूंगा. शी इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ जिसको मैं जानता हूँ, सबसे बड़ी स्टार है, ग्लोबल स्टार. Every day is beautiful, and it's a whole new growth of a relationship between a man and a woman, and the dynamics has changed because suddenly you start thinking like a parent, and that's something very new. That's something can't hear you, babe. You have to very different. Somebody like me who's always been a kid. KLP needs, it has me in it, it has Vivek in it. Thank you. Of course, but it's a sense of beauty that you feel, participation in creating something so beautiful. What other projects are they released today? Nothing. Yeah, she's a fabulous actress. I wish her all the best, and I'm really looking forward to seeing the film. Madhur Bhandarkar is one of the most talented directors that we have in the country. I think they deserve a lot of success. I'd love to see the film. Are you planning to attend your wedding? Thank you.